Assalamu alaikum. Dear students, in this video, we are going to learn how to develop expression. I have been mentoring CSS aspirants for 6 years now. इस 6 साल के दरमियान में जो सवाल मैंने सबसे ज़्यादा सुना है वो ये है कि मिस एक्सप्रेशन क्या होता है और इसको कैसे डेवलप करते हैं. Let me tell you one thing. It is not something that you can develop in isolation. It's not something foreign. It's not something outside of what you are already doing during your preparations. It's a part of it. ठीक है, तो आपने ये नहीं सोचना कि एक्सप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि आप अलहदा से डेवलप करेंगे. एक्सप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी तैयारी के दौरान बाकी सारी चीज़ों के साथ ही डेवलप हो जाएगी. एक्सप्रेशन होता क्या है? एक्सप्रेशन इज योर एबिलिटी टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन टू अ स्पोकन और अ रिटन वर्ड. ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन होता है. ठीक है, मैं जिस मीडियम की बात कर रही हूँ वो है लैंग्वेज. हो सकता है कि किसी का मीडियम पेंटिंग हो सकता है किसी का मीडियम म्यूजिक हो. सो आप अपनी पेन को, अपनी खुशी को म्यूजिक के थ्रू एक्सप्रेस कर रहे हो, उसको कैनवस पे एक्सप्रेस कर रहे हो, लेकिन हमारा जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है उसमें मीडियम है हमारा लैंग्वेज, वर्ड्स. तो एक्सप्रेशन इज योर एबिलिटी टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, एक्सप्रेस योर आइडियाज. अब प्रॉब्लम ये है, जो प्रॉब्लम हमारा स्टूडेंट फेस करता है वो प्रॉब्लम ये है कि अपने एकेडमिक करियर के दौरान हमारी जितनी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ रही हैं वो जिन एग्ज़ाम्स के ऊपर डिपेंड करती थी वो क्रैमिंग से हल हो जाती थी. सो हमें आदत पड़ गई क्रैम करने की, रॉट लर्निंग की. हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, अच्छी बात है. नहीं भी क्लियर हुए तो हमने क्या किया कि हमने जवाबों को रट लिया. पर्टिकुलरली जब हम बैचलर्स में जाते हैं, सेमेस्टर सिस्टम में जाते हैं, तो हमने टीचर ने हमें कोई स्लाइड्स दे दी, हमें कोई नोट्स दे दिए, नोट्स रखवा दिए, फोटोकॉपीज दे दी, और फिर कहा कि जी इतने सवाल तैयार कर लें. हम गए, हमने सवाल का जवाब लिखा, एंड वी आर थ्रू दैट सेमेस्टर. अब इन सारी बैड एजुकेशनल हैबिट्स के बाद जब हम कंपेटिटिव एग्जाम में पहुँचते हैं तो सडनली वी आर एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर 12 सब्जेक्ट्स, और वो 12 सब्जेक्ट्स जो हमने तैयार करने हैं वो इस लेवल के करने हैं कि जैसे हमने उसमें से हर सब्जेक्ट में बीएस किया हो. ठीक है, इतनी हमारी तैयारी होती है. सो बहुत अच्छे तरीके से हमने उस सब्जेक्ट को तैयार करना है, देन वी आर सपोज टू सिट इन द एग्ज़ाम. ठीक है, और उस एग्ज़ाम के अंदर एग्ज़ाम इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल. सवाल जो हैं वो किस एंगल से आएंगे हमें नहीं पता, वो चेंज होते रहते हैं. पर्टिकुलरली अगर हम 2020 का ट्रेंड देखें तो सवालों में देयर इज़ अ वेरी अपसेट जो हम सवालों में हमें नज़र आता है कि सवालों को बिल्कुल अनप्रडिक्टेबल कर दिया गया, एरियाज को पर्टिकुलरली इन ऑप्शनल. सो अब स्टूडेंट जो होता है वो कंपेटिटिव एग्जाम की तरफ जब आता है, जब उसको नौकरी मिलनी होती है यहाँ से, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो टास्क सामने आता है वो ये है कि यू आर सपोज टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिव राइटिंग. क्रिएटिव राइटिंग की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए आपको एक्सप्रेशन चाहिए. क्रिएटिव राइटिंग से मुराद ये नहीं कि आपने कहानी लिखनी है. बच्चों को जब एस्से राइटिंग करवाई जाती है तो वो क्रिएटिव राइटिंग ही है. ठीक है, अब जब हम एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि वो सोचते हैं कि पहले हम किताब पढ़ लें, पहले हम वोकैबुलरी लर्न कर लें, बाद में हम लिखने बैठेंगे. और जब आप किताब पढ़ लेते हैं, आपसे पूछा जाए कि किताब में क्या था, अव्वल तो आपको याद नहीं होगा कि किताब में क्या था. दोम, अगर आपको याद है तो आप वर्बली बता सकते हैं कि आपने क्या पढ़ा था, लेकिन आप लिख के नहीं बता सकते कि क्या पढ़ा. जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि एक बुक रिव्यू लिख दें ऐसी किताब पे जो आपने पढ़ा है, आप नहीं लिख सकते. क्यों? क्योंकि वो सेट ऑफ स्किल जो आपको डेवलप करना था रीडिंग के साथ, वो डेवलप नहीं हुआ. अब अगर आप कोशिश करेंगे कि आप राइटिंग को आइसोलेशन में डेवलप करें तो वो डेवलप नहीं होगी. सो जब आप कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश की तैयारी को आपने ये सोच के नहीं लेना कि मैंने 2 महीने में इंग्लिश की तैयारी कर लेनी है. इंग्लिश की तैयारी वो है जो कि साथ साथ थ्रू आउट द ईयर और थ्रू आउट द मंथ्स आपके साथ चलेगी. अब इसमें एक्सप्रेशन बिल्ड करने के लिए आपका काम ये होना चाहिए कि वेन एवर यू आर गोइंग टू रीड समथिंग, वो रीड समथिंग क्या है, क्रिमिनोलॉजी की किताब, पोल साइंस की किताब, करंट अफेयर्स के किसी जर्नल का कोई आर्टिकल, कोई आपने रिसर्च पेपर पढ़ना है इन्वायरमेंटल साइंसेस के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप कुछ भी पढ़ें जो कि इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो उस चीज़ को पढ़ने के बाद आप उन आइडियाज़ को लिख लेंगे. अब मैं आपसे ये काम करने के लिए क्यों कह रही हूँ. When we are developing expression, we are bound to struggle with 2 things. Number 1, ideas. Number 2, diction. Ideas ये हैं कि मैं कोई बात करना चाहती हूँ nationalism के बारे में. अब पहली बात तो ये कि मुझे पता ही नहीं होगा. ठीक है, मेरे पास वो concrete substantial knowledge नहीं होगा जो कि nationalism के बारे में होना चाहिए.
अच्छा फर्ज करें कि मेरे पास वो नॉलेज है, मुझे पता है कि ये एक खास तरह का इमोशन है, फीलिंग है, ये एक सेंटिमेंट है. अब मुझे इसको सही तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए, एडिक्वेटली एक्सप्रेस करने के लिए मुझे कुछ लव्स चाहिए होंगे. वो लव्स कैसे हैं? जैसे नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, लेट्स से इट्स कॉन्ट्रोवर्शियल. हम कह सकते हैं कि दिस इज एन एक्सप्लोसिव वर्ड, दिस इज पोलेमिकल. ये डिक्शन है. ये डिक्शन वही है कि अगर आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करनी है तो आपको पता होना चाहिए. बल्कि ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बाद में आता है, दिस इज एक्चुअली डिक्शन. अगर आपने क्लाइमेट चेंज की और ग्लोबल वार्मिंग की बात करनी है तो आपके पास क्लाइमेट चेंज लव्स होना चाहिए. अगर आपने ग्लोबल वार्मिंग की बात करनी है तो आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, आपको राइजिंग सी लेवल, आपको टेम्परेचर, परसेंटेज ऑफ डिफरेंट गैसेस, ये आपको पता होनी चाहिए. ये सारी चीज़ें हैं आपकी डिक्शन. तो जब हम एक्सप्रेशन डेवलप कर रहे होते हैं, अब अगर मैं सोचूं कि मैंने खुद से लिखना है तो मैं आइडिया और वोकैबुलरी, डिक्शन दोनों के साथ मैं स्ट्रगल करूंगी. तो अगर मैंने कोई चीज़ पढ़ी है और मैंने उसी चीज़ को लिख लिया है तो मेरी ये स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगी. सो आपका काम ये होना चाहिए एक्सप्रेशन डेवलप करने के लिए कि वेन एवर यू रीड समथिंग, राइट डाउन दैट आइडिया इनटू योर ओन वर्ड्स. इनटू योर ओन वर्ड्स से मुराद होती है इनटू योर ओन सेंटेंसेस. तो आपने अपने जुमले बनाने हैं, लेकिन जो आइडिया है, जो अल्फाज का चुनाव है, वो वही है जो कि राइटर ने किया था. ये एक बहुत बेसिक एक्सरसाइज है. आपको सुन के लगेगा कि ये तो मैडम ने कोई ऐसी बात ही नहीं बताई जो हमें पहले से ना पता हो, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि दिस इज़ दी ओनली वे टू डेवलप एन एक्सप्रेशन. ये नहीं होगा कि आप 10 किताबें पढ़ लें और आप सोचें कि 10 किताबें पढ़ने के बाद आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा. 10 किताबें पढ़ने के बाद आपकी रीडिंग स्किल पॉलिश हो सकती है, आप जल्दी किताब पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको राइटिंग आ जाएगी. और ये भी नहीं होगा कि आप सोचें कि एक दिन जब आपको अपनी रीजनल या आपको अपनी मदर टंग के सारे अल्फाज की अंग्रेजी आती होगी आप लिखने बैठे. राइटिंग इज नॉट समथिंग दैट हैपेंस ओवरनाइट. ये ओवरनाइट नहीं होगा. सो आपको ये काम ग्रेजुअली कंसिस्टेंटली लर्न करना पड़ेगा. और लर्न करने के लिए तरीका यही है कि आप रोज कुछ सफ़े लिखें. कम अज कम आप 3-4 हफ्तों तक ये प्रैक्टिस करें राइटिंग की. रोज कुछ लिखें, रोज कुछ लिखें. मेक इट अ हैबिट, ताकि जब आप वो प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपकी आदत ये बन जाएगी कि जब भी कोई चीज़ पढ़ी यू विल राइट डाउन दैट आइडिया. ये हैबिट आपको डेवलप करनी है. ठीक है. अब एक और जो हम चीज़ देखते हैं वो ये है कि स्टूडेंट कहते हैं कि मिस हम लिख तो लेते हैं लेकिन करेक्शन कौन करेगा, तो हमें करेक्ट करके कौन बताएगा. अब लेट मी गिव यू अ वेरी रेलिवेंट एग्जाम्पल इन दिस रिगार्ड. एक बच्चा है, वो चलना शुरू करता है. अब वो जब चलता है तो वो गिर जाता है, अब वो फिर खड़ा होता है, वो फिर गिर जाता है. अब अगर बच्चा ये कहे कि मैं तब तक नहीं चलूंगा जब तक कि मैं अपना बैलेंस ठीक नहीं कर लेता, तो डू यू थिंक कि बच्चा एक दिन बस खड़ा होगा और चलना शुरू कर देगा? या बल्कि बैलेंस तो दूर की बात है, जब हम एक CSS एस्पायरेंट के साथ उसको कंपेयर करें तो बच्चा ये कहे कि मैं उस दिन खड़ा होऊंगा जिस दिन मैं भागना शुरू कर दूं. सो यू एंड आई अंडरस्टैंड कि अगर बच्चा ये सोचकर खड़ा ही नहीं होगा कि वो भागने लगेगा तो उसने तब खड़े होना है, या उसका बैलेंस सही होगा तो ही वो खड़ा होगा, तो वो कभी खड़ा ही नहीं हो सकता, उसका बैलेंस कभी कायम ही नहीं होगा. बिकॉज दिस इज अ ट्रायल एंड एरर मेथड. ठीक है. हम और हमारा दिमाग एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के तहत काम करता है, और उस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में ये नहीं है कि अगर मुझे कोई ठीक नहीं करेगा तो मैं सारी ज़िंदगी गलत करती रहूँगी. नहीं, हम ऑटो करेक्ट पे होते हैं. और मैं आपसे, जब आप एक्सप्रेशन डेवलप कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप जिस सब्जेक्ट की किताब पढ़ रहे हैं वो किसी फॉरन ऑथर ने लिखी हो. फॉरन ऑथर के लिखे होने से ये होता है कि जो उसके आइडियाज़ होते हैं वो प्रॉपर जो इंग्लिश एक्सप्रेशन है उसके अंदर लिखे होते हैं. इंग्लिश ईडियम, उसकी जो इडियोमेटिक इंग्लिश होती है वो बिल्कुल ठीक होती है. सो आप गलत चीज़ नहीं पढ़े. जब आप गलत चीज पढ़ते नहीं है तो आपका दिमाग खुद ब खुद लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को पिक करता है. अगर आपको कोई मेंटोर मिल जाता है जो आपका काम चेक कर लेता है, दैट इज वेरी गुड, दैट इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू यू. बट इफ यू डोंट फाइंड अ टीचर, और इफ योर टीचर इज नॉट चेकिंग योर वर्क प्रॉपरली, इवन देन यू मस्ट कंटिन्यू राइटिंग, बिकॉज दैट इज द ओनली वे दैट यू कैन डेवलप एक्सप्रेशन. और जब आप लिखते रहेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि आपकी राइटिंग ग्रेजुअली बेहतर होगी, आप में फ्लुएंसी आएगी, स्पॉन्टेनिटी ऑफ आइडिया आएगी. और देखें, जहां आपके एक्सप्रेशन की और करेक्शन की बात आती है, सो अब एक बहुत कॉमन मिस्टेक है कि कुछ बच्चे टू के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. अब आप मेरे पास काम लेकर आते हैं, मैं काम चेक करती हूँ, मैं गलती निकालती हूँ. मैं आपको समझा देती हूँ कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है.
As an experienced mentor, I can tell you that the student is going to make the same mistake for a dozen times. बच्चा वो गलती करना तब छोड़ता है जब वो अपने लिखे में वो गलती खुद पॉइंट आउट कर लेता है. सो जब आप अपनी गलती खुद निकाल लेते हैं, वो पॉइंट होता है जहाँ पे जिसके बाद आप वो गलती दोबारा नहीं करते हैं, ठीक है. लेकिन अगर आप ये सोच कर ना लिखें, या मेरे अपने स्टूडेंट्स से होते हैं, वो जी कहते हैं हमें साहब पहले हमें बताएं कि हमारी कौन सी गलतियाँ, ताकि हम जब दोबारा लिखें तो वो गलती ना हो. मैं आपको आपकी गलती बता भी दूंगी, लेकिन मसला ये है कि मेरे बताने से आप ओवरनाइट उस गलती को ठीक नहीं कर सकते. इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम. यू आर डेवलपिंग स्ट्रक्चर्स, यू आर डेवलपिंग लैंग्वेज. दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट नीड्स कंटिन्यूटी. तो आपको ये प्रोसीजर, आपको ये काम कंटिन्यू करना है एटलीस्ट फॉर 3 वीक्स. जब आप 3 वीक्स उसको कंटिन्यू करेंगे तो वो आपकी हैबिट बन जाएगा. Learning a language is a complex process. It is something that is going to take time. तो आप जब अपना sentence structure develop कर रहे हैं, अपना expression develop कर रहे हैं, it is going to take time and you will start correcting yourself. But you need to continue practice. I'm not asking you to write diaries. I'm not asking you to write short stories. Creative writing से मुराद ये नहीं है कि आपने कोई किसी खास तरह की literary writing शुरू कर देनी है. Writing से मुराद है, creative writing से मुराद है that you have to write something. वो ये भी हो सकता है कि अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, आपको एडिटोरियल अच्छा लिखा है, यू राइट इट इनटू योर ओन वर्ड्स. तो आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए जिसमें आपने रफ राइटिंग करनी है, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप रोज ये राइटिंग कर रहे हैं. आप जितनी ज्यादा राइटिंग करेंगे आपका एक्सप्रेशन उतनी जल्दी ठीक होगा. आप जितना फ्रीक्वेंटली लिखेंगे आपका एक्सप्रेशन उतना ज्यादा मेच्योर होगा. इस प्रैक्टिस को जितना आप कंटिन्यू करेंगे, आपकी पेपर में जो प्रोग्रेस है, आपका जो पेपर में आउटपुट है, वो उतना ही अच्छा होगा, ठीक है. सो आपकी तैयारी का जो फर्स्ट, जो आपका जो पहला कदम होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर एक्सप्रेशन. एंड फ्रॉम एक्सप्रेशन आई मीन दैट यू शुड बी इन अ पोजीशन टू एक्सप्रेस योर आइडियाज इन वट एवर द क्वेश्चन इज. सो नो मैटर इफ द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन हैज चेंज्ड, यू शुड बी एबल टू मोल्ड योर आइडियाज mold your ideas in a way that is adequate for that particular question. So उस सवाल का जवाब देने की position में आपकी language को होना चाहिए. ये नहीं हो सकता इस point के ऊपर कि आप अपने ideas को या आप किसी किताब को सवालों के जवाबों को cram कर लेंगे, और अगर आपने cram कर लिया और जाके लिख दिया तो भी you are not going to reach anywhere, क्योंकि इस level के ऊपर जो maturity of expression हमें चाहिए वो उन्हीं लोगों में आता है जिन्होंने practice की होती है, ठीक है. सो आई होप कि आपको एक्सप्रेशन समझ आया होगा. अगर आप देखना चाहते हैं डिफरेंट राइटर्स का एक्सप्रेशन, यू कैन रीड रसल, यू कैन रीड विल ड्यूरेंट. लेकिन जब हम प्योर लैंग्वेज और एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो वही फ्रीडम की डेफिनेशन होगी, उसी तरह से डिफाइन किया जाएगा, लेकिन दोनों राइटर्स डिफरेंट सेंटेंस बनाएंगे. और यही एक बुनियादी फ़र्क होता है जिसमें हम कहते हैं कि जो कोई ख़ास बंदा है वो बहुत अच्छा राइटर है, दूसरा बंदा जो है वो भी अच्छा राइटर है, लेकिन उतना अच्छा राइटर नहीं है. बिकॉज एक्सप्रेशन ऑफ वन is more refined than the expression of the other person. So don't look for shortcut. Writing is not something that you can develop overnight. You have to give it time. You have to invest your energy into writing. So make it a habit that whenever you are reading something, you are writing down those ideas. I am determined to continue making these videos, and I hope that you will subscribe to my channel. Also leave a comment so that I can see the topics that you want to be discussed. Thank you so much. I'll see you in another video.